मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि ये बॉस में आर्मी वाले डिसिप्लिन की क्वालिटी जनरेट कहाँ से हुई। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो बच्चा सिर्फ CLC को फॉलो कर ले, आई एम श्योर कि 50% सक्सेस तो अपने आप ही जनरेट हो जाती है उसमें। आपने देश की सेवा की और हमें सौभाग्य मिला आपके बच्चों को पढ़ाने का। प्लीज जय सिंह जी अपनी बात रखें। जय CLC। मैं CLC के बारे में कुछ चीज बोलना चाहूँगा जो मैं फील की इतने टाइम में। सबसे पहले तो CLC का जो डिसिप्लिन, बीइंग आर्मी पर्सनल मैं ये मानता हूँ कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी फील्ड में आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। CLC में हर एक बच्चा, मे बी क्लासरूम में जा रहा हो या मैथ्स डिसिप्लिन हो या इंट्री का एग्जिट का उसका प्रोसीजर हो या किसी गार्जियंस को विश करने वाली चीज़ हो, CLC का हर बच्चा इतना डिसिप्लिन है। इवन दो मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि ये बॉस में आर्मी वाले डिसिप्लिन की क्वालिटी जनरेट कहाँ से हुई। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो बच्चा सिर्फ CLC को फॉलो कर ले तो आई एम श्योर कि 50% सक्सेस तो अपने आप ही जनरेट हो जाती है उसमें। दूसरी CLC की सबसे बड़ी खूबी, CLC का एक अपना फैमिली बॉन्डिंग होता है। फैमिली बॉन्डिंग इन द सेंस कि बाकी इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो एग्जाम क्लास उसका कोर्स ख़त्म हो गया, बच्चे से उस इंस्टीट्यूट का सब कुछ लेना देना ख़त्म हो जाता है। CLC की बॉन्डिंग की बात करूँ तो एग्जाम से पहले अजय को उसका टीचर कॉल करके ये बोलता है कि बेटा बी कूल एंड ऑल दी बेस्ट। मतलब ये होती है बॉन्डिंग। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, एक नॉर्मल सा गार्जियन, कोई भी गार्जियन आप मान सकते हो, एग्जाम के बाद में आता काउंसलिंग। अभी नॉर्मली गार्जियंस को पता नहीं होता काउंसलिंग क्या चीज़ है। ये बच्चे आज तक सेलेक्ट हुए काउंसलिंग का सीधी सी बात है, बीइंग आर्मी पर्सनल मेरे को भी पता नहीं। मेरा काम था इनकी रिजल्ट शीट प्रिंट आउट लेना और सीधा जाके बॉस के टेबल पर रख देना। बॉस ये इनकी रिजल्ट शीट है, कौन सी कॉलेज बरौनी, क्या बरौनी, मेरे को आप बता दो। सबसे बड़ी बच्ची GMC कोटा पहुंची, तो दूसरी बच्ची का जब सिलेक्शन हुआ ठीक नेक्स्ट ईयर, तो मैं बॉस के पास लेके गया कि साहब ये दोनों जुड़वाएँ, बचपन से साथ रही हैं एंड पर्सनली मैं चाह रहा हूँ कि ये एक कॉलेज में इकट्ठी हो जाएं। इंडिया में बेसिकली 170 अराउंड 200 के आसपास कॉलेज हैं, तो मैं बोला सर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोटा पहुँच जाए, दोनों इकट्ठी रहें। इन्होंने मेरे को एक वो लिख के दिया कि ये कॉलेज भरवाओ, ये GMC कोटा पहुँच जाएगी। सिर्फ इनकी गाइडेंस की वजह से, इनके ऊपर मेरा फेथ था कि जो करना बॉस बताएगा मैं सिर्फ उतना ही करूँगा। मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोल के भेजी, भाई आपने अपने माइंड से कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो द CLC। वो बोलते हैं कि असेंबली में वो जाके बैठ जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। वो बोलते हैं भाई कैंप में जाओ, क्लासरूम में आ जाओ, छुट्टी हो गई तो सीधा एक वर्ड बोलते हैं कि भाई बुक लेके घर मत जाना। क्यों? बॉस को शायद पर भरोसा कि घर जाके पढ़ेंगे नहीं। हाँ, बुक क्यों नहीं पढ़ता घर पे, तो ये बुक लेके भी नहीं आते थे। तो मैं इनमें एक चीज़ ऑब्जर्व की, आज ये जो सक्सेस हो गए बैठे हैं इधर, इन्होंने कम्प्लीटली CLC को फॉलो किया। दो बच्ची सेलेक्ट हुई तो तीसरी का एडमिशन कराने के लिए मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका बोरिया बिस्तर डाला और जाके सीधा CLC। और उसको भी पता था कि मैं CLC से सेलेक्ट होना है, माई फ्यूचर CLC विल डिफाइंड माई फ्यूचर, पता था छोटे वाले को। अगर तीनों सेलेक्ट हो गई तो बच्चे के बारे में मैं तो एडमिशन कराने में नहीं गया, अजय को लेके पूजा गई थी। पूजा जाके बॉस से मिली, बॉस की पुरानी स्टूडेंट है, मतलब CLC जाके मेरे को तो ये लगता ही नहीं मैं कोई इंस्टीट्यूट में आया हूँ, कि CLC तो मेरा एक परिवार है। क्या बात है सर, यही आपकी दुआ है। जो मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं भी अपने आर्मी वाले जो साथ वाले हैं, जिसको मैं गाइड किया, भाई बच्चे को नीट में एडमिशन करवाना, जो मेरे को मेरा क्लोज है, तमिलनाडु के एक बंदे को मैं बोला, आपने भेजा, तमिलनाडु हो गया बाद में, वो लड़का मात्र 9 महीने आपके पास रहा। बिल्कुल सर, वो सिलेक्ट हो गए निकला। बिल्कुल आज भी याद है मेरे को, जिसको ढंग से हिंदी नहीं बोलनी आती थी। तो बॉस ने बोला भाई हिंदी का इश्यू नहीं है कोई, क्लासरूम ये है, मैथ्स वो है, हॉस्टल ये है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल देगा, बाकी तो बात ही खत्म, इसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो लड़का पूरा हिंदुस्तान पार करके सीकर में CLC पढ़ा, वो आज वो तमिलनाडु के 2 नंबर मेडिकल कॉलेज में MMC चेन्नई। बिल्कुल, उसके बाद में UP से एक लड़की आई थी श्वेता, उसको भी मैं लेके आया था, वो आज KGMU लखनऊ में, वो जो यूपी की बेस्ट, जब SMS है ना वैसे, वहाँ यूपी का नंबर 1 मेडिकल। बिल्कुल, आई मीन टू से यू कि जो बंदा मेरे से कभी पूछा किसी ने भाई मेरे को सजेस्ट करो इंस्टीट्यूट नीट या JEE के लिए, मैं बॉस के पास
या तो लेके गया, टाइम नहीं मिला तो उसको मैं रूट ब्रीफ किया कि भैया आप नियरेस्ट डेस्टिनेशन जयपुर उतरो, ऐसे ऐसे मेरे को कॉल करके बता देना। एक दो जो स्टाफ मैं जानता हूँ काफी सारे लोगों को, जैसे मोती सर, इनको पहले वो यादव साहब थे, तो मैं बोलता था भाई इन साहब से मिलना, ये नंबर है और बॉस भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और एवरीथिंग विल बी डन, सारी चीज हो जाएगी। और वो सारे बच्चे, जो जो बच्चे मेरे नॉलेज में, सारे बच्चे आज या तो MBBS कर चुके हैं या कर रहे हैं। यह है CLC का एक परफॉर्मेंस। और बच्चे ने MBBS खत्म कर ली, उसके बाद भी बॉस उस बच्चे के घर में कॉल करते हैं। CLC अपना प्रिंटेड है कि वो ईयरली मैगजीन निकालते हैं, वो मेरे पास रेगुलर पहुंचती थी, वो मेरे आसपास वाले सारे देखते थे कि एक इंस्टीट्यूट इतने बच्चे कैसे सक्सेस दे बढ़ा पा रही है, तो अगले को एक शौक लगता है। फिर मैं ऊपर से ऐड करता था, भाई कुछ नहीं, ये सिंपली एक आर्मी वाला टाइप का डिसिप्लिन है, बच्चे को इधर उधर लेफ्ट राइट की परमिशन नहीं। अगर डिसिप्लिन में रहना मंजूर है तो CLC ज्वाइन करो, CLC को फॉलो कर लो, बाकी सोचने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली वो बच्चा रिजल्ट निकाल के लेके आएगा। CLC की जो जर्सी है, येलो जर्सी, वो उड़े खड़े होना, ये हमारी पीली टी शर्ट जो है इसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो पीली टी शर्ट इसकी बात कर रहा हूँ बड़े बेटा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस दिन बच्चे ने ये पीली टी शर्ट पहन ली, 1/3 सक्सेस उसी दिन बच्चे को मिल गई। आपका तगड़ा फंडा, बाकी 1/3 सक्सेस CLC को फॉलो कर लो, बची 1/3 वो बच्चे ने अपनी मेहनत करनी। बिल्कुल सर, बहुत सही बात। मेरा पर्सनल ये भी है कि सिर्फ बॉस को फॉलो कर लो। जो आदमी 26 साल से हजारों हजारों डॉक्टर IITM तैयार कर चुका है, ऐसे तो मैं इनको युग पुरुष बोलूं भी तो मेरी हिंदी भी की सॉरी, इनको मैं युग पुरुष बोलूंगा कि इस टाइप के युग पुरुष शेखावटी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बॉस ने इंजीनियरिंग करने के बावजूद शेखावटी को यहाँ तक लेके गए। सिकरा जो भी कुछ है सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। CLC की तीसरी बड़ी चीज, आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, अभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है कोटा वगैरह में, उनके डायरेक्टर को, मेरे को लगता नहीं किसी को शक्ल देखने का वो मिलता है चांस। CLC में बॉस रात को 1 बजे अवेलेबल होते हैं। मेरे को याद एक बारी मैं पूजा पूनम थी उधर, मैं अराउंड अबाउट 12 बजे सीकर उतरा, CLC में फ़ोन कर लिया, भाई मैं बच्चों को सामान देना और मैं अगली जगह जाना है, मैं आ जाऊँ क्या, आ सकता हूँ क्या हॉस्टल में, परमिशन मिलेगी कि नहीं? तो मेरे को बोले साहब आप आ जाओ, 1 बजे तक सब कुछ खुला है। 1 बजे आया तो बॉस भी जाग रहे हैं, मैं सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और बच्चों के साथ जाग रहा है। तब मेरे को स्टाफ ने बताया कि भाई बॉस सबसे लास्ट में सोते हैं, जिस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इतना बड़ा आदमी और रात को 1 बजे तक जाग रहा है, गार्जियन भी नहीं जागते, ओपनली बोल रहा हूँ, मैं नहीं जागता, जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर 1 बजे तक जाग रहा है तो उस इंस्टीट्यूट के बच्चे सक्सेस क्यों नहीं होंगे? एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, 3-4 बगल में बैठे 700+ वाले, ये है सब CLC की क्वालिटी। और मैं एक ही सजेस्ट करूंगा बीइंग ए गार्जियन, पर ठीक है आपको MBBS का, नीट का कुछ ज़्यादा सा पता नहीं, काउंसलिंग पता नहीं, कुछ पता नहीं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बच्चे को पकड़ो, CLC पहुँचो, एग्जाम हो गई, एग्जाम होने के बाद में उसकी रिजल्ट शीट निकालो, बॉस के पास पहुँचो कि बॉस ये पकड़ो रिजल्ट शीट और आगे क्या करना आप बता दो। इनके पास में 24/7 बॉस अवेलेबल मिले मेरे को। अभी लॉकडाउन की बताऊं, लॉकडाउन में गांव में नेटवर्क की दिक्कत थी, तो लड़का या जे आया हुआ था, तो सीधी सी बात नेटवर्क की दिक्कत थी, तो बॉस को बताया, बोला सर नंबर कम इसको इसलिए आ रहे हैं कि गांव में नेटवर्क की दिक्कत है। बोला ठीक है इसको सीकर भेज दो। सीकर भिजवाया, पहले दिन इसको हॉस्टल में शायद कोई दूसरी सिम रहेगी, इसको नेटवर्क नहीं मिला, तो अजय ने मेरे को कॉल किया, बोला पापा हॉस्टल में नेटवर्क की दिक्कत है। तो मैं बॉस को एक मैसेज किया कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है अजय को, तो बॉस ने आधे घंटे अंदर KVM स्कूल में इसके लिए एक डेस्कटॉप PC लगवा दिया ब्रॉडबैंड के साथ। अभी इससे फास्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन और क्या चाहिए गार्जियन को? तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। रही बात इनकी हॉस्टल की, मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ज्योति की बात है। ज्योति मेरे को चलते टाइम बोली पापा रूम में CF है ना छोटा है, थोड़ा बड़ा ले आओ 12-15 वाट का। मैं 3 बज रहा था तो मेरे को बस पकड़ के वापस आना था, मैं आसपास की शॉप्स में गया तो 9 वाट से बड़ा CFL नहीं मिला। तो मैं कटेवा सर को बोला, कटेवा सर मेरे तो बस को टाइम होगा, मन बस पकड़ नहीं है, वो थे यूँ करियो गुड़िया ने एक CFL ला के लगा दियो, ये पैसा ले लो मेरे कने।
तो कटेवा सर ने मेरे को बोला, आपने मेरे को बता दिया ना, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो साहब ओपनली मैं तो बोल रहा हूँ, गार्जियन का काम है बच्चे को या पर्सनली जाके सीएलसी के रिसेप्शन में, बॉस तक जाने की जरूरत नहीं, रिसेप्शन में जाके ये बोलने की देरी की, साहब मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, और वो 100% वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को आज तक मिला है। और गार्जियन को मैं अपने बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन बॉस के पास में है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक रही बात बॉन्डिंग की, अब गांव गांव जाके बताओ, बॉस इतनी दूर से चल के आ रहे हैं मेरे जैसे एक नॉर्मल से आदमी के पास में, ये मेरा बहुत बड़ा बड़प्पन है, मेरे जैसे छोटे आदमी के पास में इतने बड़े आदमी घर आए, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। हम भाई आपस में दोनों, तो मैं इतना ही कहूँगा, आप किसी से मिसगाइड मत होइए गार्जियंस को, कि आंख बंद करके सीएलसी आइए और आपको सीएलसी रिजल्ट देगी। केयर की, फैमिली बॉन्डिंग की, ये सारी चीज़ आपके सामने है। बॉस अजय का रिजल्ट भी आने वाला आज हमारे घर आए हुए हैं। तो ये है साहब सीएलसी, नीट एमबीबीएस आईआईटी, जो भी बच्चे को कराना आप सीएलसी आइए, पूरा स्टाफ 24/7 सीएलसी का अवेलेबल है। ऐसा कोई कॉल मैं कभी भी किया, नो रिप्लाई मेरे को कभी नहीं मिला। मैं भी बॉस को मैसेज किया, बॉस ने मेरे को प्रॉपर एक हर टाइम रिस्पॉन्ड दिया। सीएलसी लॉकडाउन लगा शायद 6 अप्रैल को, ऑनलाइन क्लास 16 अप्रैल को ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ बॉस के सामने ही, साहिल सर ने जब से बॉस को ज्वाइन किया, सीएलसी को ज्वाइन किया, सीएलसी कंप्लीटली डिजिटल हो गई। बिल्कुल, मेरे बेटे साहिल के लिए ताली बजाएंगे। बिल्कुल, बॉस के कंधे से कंधा मिला के यंग इंजीनियर खड़ा हो गया, सीएलसी को अभी 2 साल में कहाँ पहुँचा दिया। और मैं साहिल सर यही उम्मीद करता हूँ कि अपने पापा को बॉस को फॉलो कर ही रहे हैं, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। सीएलसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना बेहतरीन काम किया, मैं कई बार अजय को पूछता था, मैं भाई अजय ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम पड़ रही है, तो मेरे को एक फ्रेंकली जवाब देता था, बोला पापा क्लासरूम में जैसे पढ़ते थे सेम वैसी क्लास मेरे को मिल रही। तो इस टाइप का काम लॉकडाउन में सीएलसी ने किया, वो शायद दूसरी कोई कोचिंग नहीं कर सकती, मेरा पर्सनली ये मानना है। तो जो भी गार्जियंस सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप आंख बंद करके आइए और आपको रिजल्ट सीएलसी निकाल के ही देगी। थैंक यू जयसिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं